नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीतम चटर्जी। रुक करते हैं अभी की खबरों की तरफ। इलाहाबाद जिले में विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इलाहाबाद जिले में विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का हुआ चयन। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें की मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजमणि विश्वकर्मा की अध्यक्षता में अध्यक्ष फूलचंद, महासचिव श्री पारसनाथ विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार विश्वकर्मा एवं पूर्व अध्यक्ष श्री लालजी विश्वकर्मा, तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सर, पिछले 8 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें जो पदाधिकारी लोग चयनित हुए थे उन्हीं लोगों का सबका जो है स्वागत समारोह हुआ और शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण हुआ जी। तो इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजमणि विश्वकर्मा ने, जो कि विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश की कार्यरत है, और उनकी तरफ से 50 बोरी सीमेंट समाज को सेवा ट्रस्ट के लिए अर्पण किया गया। वही दूसरी ओर से अजय कुमार शर्मा ने 51,000 रुपए व लालजी विश्वकर्मा ने 10,000 सहायता रथ सहयोग प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से विनय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संवर जनपद के मुख्यालय बहेउच के बीआर स्पोर्ट्स में आयोजित डांस कार्यक्रम ऑडिशन में पहुंचे बिग बॉस 2 के विजेता। संबल जनपद में पहली बार आयोजित किसी शो के माध्यम से प्रतिभाओं को जनपद के मुख्यालय बहेउच पर स्थित डीआर रिसोर्ट में परखा गया। इस दौरान बच्चों ने एक से एक बढ़कर अपनी प्रतिभा को दिखाया। इस मौके पर बच्चों की प्रतिभाओं को परखने के लिए बिग बॉस 2 के विजेता तथा न्यूज एंकर आशुतोष कौशिक भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से कहा कि प्रतियोगिता जितना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात में एक छात्रा को सिरफिरे युवक ने चाकू मार के बुरी तरीके से घायल कर दिया। घटना कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के करियाल झारा गांव की है, जहां एक सिरफिरे युवक ने रेप में नाकाम होने पर खौफ की ऐसी इबारत लिखी जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। दरअसल गांव में रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा आरती अपनी छोटी बहन के साथ शौच करने जा रही थी। इस दरमियान सुनसान पड़े खेत में पहले से घात लगाए बैठे गांव के कमल ने पीछे से आरती को पकड़ लिया और मासूम आरती को अपनी हवस का निवाला बनाना चाहा। वैशी कमल जब अपने मंसूबे में नाकाम हो गया तो उसने चाकू से आरती पर वार करना शुरू कर दिया। ये मंजर देख आरती की छोटी बहन खौफजदा हो गई और घर की तरफ भागी। इस बीच कमल ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आरती पर चाकू से 20 बार वार किए। हुआ आपकी बिटिया के साथ? भाई, बिटिया के साथ में ये हुआ। पहले आता रहा ये मिलने के को, मिलने के कहा थी तो उन्हें कही कि हमने मना किया, तो उसको चक्कू मार गई, चक्कू मार के नहीं फिर दिखाई आ गया तो पुलिस ने फोन कर दिया। कितने दिन पहले घटना हुई थी? सिरफिरा कमल यही नहीं रुका, वो आरती पर चाकू से और वार करना चाहता था। लेकिन इस बीच आरती के घर वाले मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी कमल मौके से फरार हो गया। आरती को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से राहुल कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद राज डिपो बस में लगी आग, यात्रियों ने कूद कर बचाई थी अपनी जान। हमीरपुर जनपद की बड़ी खबर, राज डिपो बस में लगी आग, यात्रियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। रोडवेज बस मुस्कुरा से राट की ओर जा रही थी, तभी ग्राम घनोरी के पास अचानक इंजन में आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री अपनी जान बचाने के लिए खिड़की, शीशों और दरवाजे से कूदकर वह एक दूसरे के सहयोग से बाहर निकलकर भागे। इस दुर्घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। अधिकांश बस में रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया है। तभी यात्री ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हरि माधव मिश्र की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये चांदी का चौक है, ये रविंद्र का सेतु है, मरीना का बीच है, ये आजाद का मैदान है, खड़े सिंह दा मार गया, चित्तरंजन का एवेन्यू है, ये अन्ना का नगर, यही है गंगा की है ये नदी, ये लक्ष्मी की कॉलोनी है, बंकिम का स्ट्रीट है, ये
नरीमन का पॉइंट है ये, और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा, केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है इंडिया लाइव न्यूज में। रुख करते हैं आगे की खबरों की तरफ। कुशीनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर बड़ी ही धूमधाम से गोपालगंज में सभी युवाओं के द्वारा मनाया गया, जिसमें अतिथि के रूप में डॉक्टर आलोक कुमार और आसपास के काफी गणमान्य हस्तियां व मंच पर अतिगण साथ में मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माले अर्पण कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। सबसे पहले तो इसके जिम्मेदार सरकार है कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया, तो ऐसे माहौल को नहीं बनने देना चाहिए। हम उसी सरकार से ये निवेदन करेंगे कि कृपया इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन या डिसीजन नहीं दिया जाए कि पब्लिक के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े। और आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज मेरा रहेगा कि हिंदुत्व के नाम पे जो इतना बड़ा संगठन बन रहा है, तो एक हिंदुत्व रहा जाए, एकत्रित करके रखा जाए, लोगों को जोड़ के रखा जाए, बांटने की कोशिश नहीं की जाए। बाबा साहब का उद्देश्य था समाज को, पूरे समाज को शिक्षित करना और यहाँ से भेद समाज से भेदभाव को मिटाना और देश को आगे बढ़ाना और पूरे समाज में पूरे देश में समरसता लाना। और ऐसी एसटी पे आप क्या करें? आपका सवाल क्लियर नहीं। वही जी के सुमन बाबा साहब के बारे में उनकी अच्छाई का वर्णन किया। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से मृत्युंजय पांडे की रिपोर्ट। कोरिया जिले के चिरमिरी कॉलोनी विगत 2 वर्ष से किसान मोर्चे के छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष लखन राज श्रीवास्तव द्वारा पेयजल वितरण राहत पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। कोरिया जिले के चिरमिरी कॉलरी विगत 2 वर्षों से किसान मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल श्रीवास्तव द्वारा पानी पेयजल वितरण राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। चिरमिरी के स्थानीय प्रशासन की जो जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर पानी की समस्या से जूझ रहे चिरमिरी की आम जनता परेशान है। जरिए हमारे पानी के 2 साल से वो पानी पहुंचा रहे हैं, बहुत इनकी कृपा है और अच्छे से पानी हमको दे रहे हैं। नहीं पानी कितना है यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है, परेशानी बहुत हो रही है। हम कहाँ कहाँ से आप लोग महापौर को जिताए हैं? महापौर आते हैं गर्मी में देखने? कभी देखने नहीं आते महापौर, उनको जिता दिए मगर कोई देखभाल नहीं है कैसा भी। ना ही नगर निगम ना ही SECL ध्यान दे रहा है। वहीं पर एक तरफ लखनलाल श्रीवास्तव अपने संसाधन से विगत पिछले 2 वर्षों से पेयजल पानी का वितरण पूरे चिरमिरी में कर रहे हैं। गर्मियों में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरिया कॉलरी के वार्ड नंबर 8 से पेयजल पानी वितरण का शुरुआत किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट। पौली जिले के सुमेरपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 191वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई विशाल वाहन रैली। पाली जिले के सुमेरपुर में महान भारतीय विचारक, समाजसेवी व क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबाई फुले की 191वीं जयंती के उपलक्ष्य में फुले ब्रिगेड संस्था के तत्वाधान में वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। इस मौके पर फुले ब्रिगेड संस्था के पदाधिकारी सहित माले समाज के लोगों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। राजस्थान के सुमेरपुर से जितेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। फिरोजपुर की केंद्रीय जेल के गुरप्रीत सिंह उर्फ गीता हलवती ने जेल के अंदर ही की आत्महत्या। पंजाब की जेलें हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। वही एक बार फिर से फिरोजपुर की केंद्रीय जेल में गुरप्रीत सिंह उर्फ गीता नाम के हवालाती ने जेल के अंदर बने नशा छुड़ाओ केंद्र के बाथरूम के अंदर अपने परने के साथ फंदा लगा कर लटक गया। वहां पर साथियों ने गुरप्रीत को लटकते देखकर शोर मचाया, तो वहां पर तैनात कर्मचारी ने गुरप्रीत सिंह के गले से परने को खोल उसे नीचे उतारा और जेल के अंदर बने अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां से डॉक्टर ने हवालाती को सिविल अस्पताल भेज दिया। बिल्कुल कुछ 1:30 बजे के करीब पेशेंट आया सेगा, ते पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब सी, गैसपिंग स्टेट के विच सेगा। असी जो भी फर्स्ट एड सी वो दित्ती, कोशिश कीता CPR जो फर्स्ट एड देना सब कुछ दिता, बट फिर भी पेशेंट ने रिवाइव नहीं करता। एक ही कारण की मनिया जा रहा है जो डेथ का, कि ये जी एडिक्शन के जेल के
ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਕਾਰਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਕਟਰ ਡੇਵ। ਜਹਾਂ ਉਸਕੀ ਉਪਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਨੀਯ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀ ਚੋਰੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ ਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਵੇਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼, ਮੁੰਬਈ। ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਮੇਂ ਅਭੀ ਕੇ ਲੀਏ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਆਪਸੇ ਏਕ ਅਨੁਰੋਧ ਵਿਨਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਆਪਕੇ ਘਰ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੋਈ ਹੋ ਤੋ ਸਕਰੀਨ ਪੇ ਦੀਏ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਪੇ ਆਪ ਹਮਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਆਪ ਹਮੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ @gmail.com ਪੇ, ਯਾ ਫਿਰ ਆਪ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ www.indialivenews.co.in ਪੇ। ਨਮਸਕਾਰ।